ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। साल में पड़ने वाली एकादशियों में देवशयनी एकादशी एक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें उठाया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इस बीच के अंतराल को चतुर्मास कहा जाता है। चूंकि दोस्तों, इन 4 माहों में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन कर रहे होते हैं, इस वजह से सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे कि विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ, गृह प्रवेश, गौदान प्रतिष्ठा आदि नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य का इस दौरान करने से शुभ फल प्राप्त नहीं होता। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शंखासुर दैत्य मारा गया था, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान मांगा था और भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया, अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बलि को बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। भगवान श्री हरि विष्णु को बलि के बंधन में बंधा देखकर माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और बलि से भगवान विष्णु को बंधन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब उसी दिन से भगवान विष्णु जी के द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह तक सूतल में राजा बलि के पास निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, वहीं भगवान शिव महाशिवरात्रि तक और भगवान ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक राजा बलि के पास पाताल लोक में निवास करते हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक पुराणों में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया है। जो भी व्यक्ति पूरी भक्ति भावना से विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आइए अब श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि को नमन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए देवशयनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मंधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी।
उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती। परंतु न जाने देवता उनसे क्यों रुष्ट हो गए, न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हों, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे नृपति, इस सतयुग में धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरापराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप उस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ किया जाता है। अर्थात कथा का सार ये है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति मिल जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी जन मिल के बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री हरि की जय।
उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।